यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो वहीं प्रदेश में अवैध निर्माण, अवैध वन कटान पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी। राज्य सरकार बेहतर और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करेगी और उपयोग को सुनिश्चित भी करेगी। इसका प्रयोग प्रदेश में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करना सुनिश्चित बनाने की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल एप्लीकेशन इन हिमाचल प्रदेश पर आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। और सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न केवल अद्भुत आर्थिक क्षमता है बल्कि सामाजिक प्रभाव भी है और ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में अहम भूमिका अदा कर सकती है। राज्य सरकार लोगों के लिए प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा उत्कृष्ट शासन के लिए इसका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करेगी। तो अवैध निर्माण और वन कटान की रोकथाम अब की जाएगी। रूप से आज के इस युग में, टेक्नोलॉजी के युग में और साइंस के इस युग में ये आवश्यकता भी है और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार उसमें टेक्नोलॉजी और साइंस में इसका लाभ लेते हुए, पर्टिकुलरली खासतौर से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हम यहीं बैठे बैठे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। हम दूसरा, हमने कहा कि इस प्रकार से कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें कोई खामी पाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको भी रिकॉर्ड करने का, उसको भी मॉनिटर करने का हमारे पास एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल रह सकता है। और उसके साथ साथ में इलीगल माइनिंग ये भी एक इशू है और इलीगल माइनिंग मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के भी हम बहुत बेहतर ढंग से आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लेकर के जो है हम उसको रोकने की स्थिति में हो सकते हैं। इलीगल फैलिंग जो फॉरेस्ट्री की जो जिस तरह से हम सुनते हैं अखबारों में आता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत, और उसके साथ कानून व्यवस्था को भी ठीक तरह से ये करने की दृष्टि से उन सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का रोल हर जगह है। इसमें और भी आने वाले समय में हम सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए रिमोट सेंसिंग कैसे की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है, ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के और ये सारी टेक्नोलॉजी की सारी बातें, इनका उपयोग जहाँ जहाँ जिस रूप में हम कर सकते हैं करने की कोशिश।